अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, महाराष्ट्र भर में पिछले दिनों कुछ दिनों से लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, इस बार आमदार नितेश राणे इसने भी इस बदबख्त ने भी जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, जिसके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से परभणी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और इनके परभणी के जिला अधिकारी के जरिए से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे इनसे ये मांग की गई है कि इस नितेश राणे बकबक पर कार्रवाई की जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसने मुसलमानों को मस्जिद में से घुस कर मारने की धमकी दी है। और खुली धमकी देने वाले नितेश राणे इस मुर्गी चोर पर एक्शन लिया जाए, ऐसा भी उस वक्त कहा गया है। इस वक्त जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे इन्हें जो निवेदन दिया गया है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर लीडर इरफानुर रहमान खान, उसी के साथ में मोइन मौली, परभणी की जानी मानी शख्सियत और कांग्रेस के लीडर नदीम इनामदार, साथ में ही अतिकुर रहमान साहब, इन्हीं के साथ में शजी अहमद खान, माजिद जागीरदार, वाजिद जागीरदार, हाफिज समद साहब, एजाम खान, उसी के साथ में शेख निसार, सैयद कलीम, शेख अली, मोहसिन भाई, मोहम्मद यूनुस वसीम, अब्दुल्ला बॉस, मकसूद खान साहब, अफान खान, असलम खान, शेख मतीन, शेख नूर, शेख जावेद मियाँ, सत्तार पटेल साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, शेख माजिद, विश्वजीत वाघमारे, नसीर सिद्दीकी, अतिकुर रहमान साहब, इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में कांग्रेस के सीनियर लीडर यहां पर मौजूद थे। और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से मांग की है कि आमदार नितेश राणे इस पर कार्रवाई की जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मांग यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री इनसे इन्होंने इन तमाम लीडर्स ने की। और जिस तरह से ये हवा चल रही है और मुसलमानों के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई बदबख्त कुछ भी बातें कर रहा है, जिसके लिए अब मुस्लिम समाज के तमाम लोग एक्टिव हो चुके हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस के सीनियर लीडर अतिकुर रहमान साहब, इन्होंने किस तरह की बात कही है और क्या मांग की है खुद इन्हीं की जबानी। सत्तेची मास चढलेले राणे कुटुंबीय आणि ते पिल्ल्या नितेश राणे मुस्लिमांच्या विरोधात जे घरं रोखण्याचं काम राजरोसपणे करत आहे, त्याला महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आणि ह्याचा बोलवता धनी देवेंद्र फडणवीसची मुख संमती आहे का काय, हे देवेंद्र फडणवीसने खुला करावा। आणि महाराष्ट्र आणि परभणी जे शांत आहे आणि आम्ही शांत ठेवायला आम्ही सक्षम आहोत आणि आम्ही परभणी शांत ठेवणारच आहोत, पण अशा किलावाड्यांना आवर घालण्याची तात्काळ गरज आहे। सत्तेचा मास लोकसभेमध्ये झिरला ह्यांचा, अजून 2-3 महिन्यांनंतर विधानसभेत झिरणारच आहे, मग बघू पुढे हे महाराष्ट्र अशांत कसं काय करू शकतात। धन्यवाद। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबर उद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तारहान पठान दीपक, उदय के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल खुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान परभणी, आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल परभणी, आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान और महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लैंड कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है इसका लैंड कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं। ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता ये
यहाँ से टर्न होता हुआ यह इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। यह नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। यह नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एन ए ले आउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एन ए ले आउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से इंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22x40 के प्लॉट्स है और 22x40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सेंक्शन कराकर यह डीपी। और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है, हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है, हर प्लॉट पर यहां पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहां पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जामपारवा गेट दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जामपारवा गेट दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर बनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी।